नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो दोस्तों, आज भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग आईपीएल और क्रिकेट की न्यूज आ रही है। तो वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग सच्चे वाले आईपीएल और क्रिकेट के फैन हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको घंटी का बटन मिल जाएगा, उसको भी जरूर याद से दबा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर्स की, जिन्होंने भाई अपना नाम ऑक्शन के अंदर दिया है, उनकी बेस प्राइस क्या है। तो मैं जो है आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर के नाम बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन तेंदुलकर की। भाई ये जो है नाम ऑक्शन में मौजूद है, 20 लाख जो है इनका बेस प्राइस है। श्रीसंत की बात करें, भाई श्रीसंत जो है फिलहाल ऑक्शन के अंदर मौजूद नहीं है, इनके अंदर जो है कोई भी फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जलत सक्सेना, काफी अच्छे ऑलराउंडर है, 30 लाख जो है इनका बेस प्राइस है। स्टुअर्ट बिन्नी की बात करें तो भाई हमको पता है ये खिलाड़ी कौन है, 50 लाख जो है इनका बेस प्राइस है। चैतन्य बिश्नोई काफी अच्छे बल्लेबाज है, तो इनका जो बेस प्राइस है वो है 20 लाख। मोहम्मद अजहरुद्दीन, हमको पता है भाई ये खिलाड़ी कितना ज्यादा सेंचुरी अच्छा खासा मारा था, तो इनका जो बेस प्राइस है वो है 20 लाख रुपीज। सेल्डन जैक्सन, इनका बेस प्राइस है 20 लाख। वही जो है शाहरुख खान, इनका भी बेस प्राइस है 20 लाख रुपीज। और बाद में बात करते हैं बाबा अपराजित, इनका भी जो बेस प्राइस है वो है 20 लाख। लास्ट में बात करते हैं अरमान जाफर, इनका भी जो बेस प्राइस है वो है 20 लाख रुपीज। तो मैं जो है आप सभी को बता दिया कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक प्लेयर जो कि ये साल ऑक्शन के अंदर मौजूद है। अब दोस्तों, मैं जो है आप सभी को दोबारा से एक बार चार जो नियम है ऑक्शन के अंदर फॉलो होने वाले हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। बहुत से लोग को जो है इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी जो है मैं आप सभी को एक बार और बता देता हूँ कि वो कौन से चार रूल्स है जो कि ये बार मिनी ऑक्शन में फॉलो होंगे। सबसे पहला रूल भाई, कोई भी टीम अपने पर्स से ज्यादा जो है पैसा खर्चा नहीं कर सकती। ये तो हम सभी को पता है कि भाई जितना भी पैसा टीम के फंड में है, उनके बैलेंस पर्स में है, उससे ज्यादा पैसा टीम खर्चा नहीं कर सकती। सेकंड नियम, ये साल के ऑक्शन में जो है आरटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि भाई मिनी ऑक्शन में जो है आरटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहुत लोग जो है बता रहे थे कि आरटीएम कार्ड इस्तेमाल होगा। थर्ड बात, यहाँ पे जो आप सभी बता दो स्क्वाड के बारे में, यानी कि एक टीम के अंदर जो है मैक्सिमम 25 प्लेयर का स्क्वाड आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि 25 प्लेयर जो है मैक्सिमम किसी भी एक टीम में शामिल हो सकते हैं, और जो मिनिमम प्लेयर है वो है 18, यानी कि 18 जो है मिनिमम प्लेयर आपके स्क्वाड में होने चाहिए और 25 जो है मैक्सिमम प्लेयर आप लोग रख सकते हो। और एट दी एंड बात करते हैं फोर्थ नियम की, कि किसी भी एक टीम में जो है 8 विदेशी खिलाड़ी मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब कि 8 से ज्यादा जो है विदेशी खिलाड़ी किसी भी टीम में मौजूद नहीं हो सकते। ये थे भाई ऑक्शन के चार नियम, मैंने आप सभी को दोबारा से बता दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है बात करते हैं केरला के मोहम्मद अजहरुद्दीन। हमने देखा था भाई मुश्ताक अली में किस तरीके से मुंबई के सामने काफी विस्फोटक सेंचुरी मार दिए थे अजहरुद्दीन, जिसके बाद जो है ऑक्शन के अंदर इनका भाव ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में जो है अजहरुद्दीन ने अपना इंटरव्यू दिया और बताया कि इनका जो ड्रीम है वो है विराट कोहली के साथ ओपनिंग करना, यानी कि हो सकता है कि आरसीबी की टीम अजहरुद्दीन को टारगेट करे, लेकिन विराट कोहली के साथ फिलहाल आरसीबी में अजहरुद्दीन शायद से ओपन ना कर पाए, क्योंकि जो पडिकल है वो ऑलरेडी अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन होप फ्यूचर में जो है इनकी ख्वाहिश जरूर से पूरी होगी। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा माई इलेवन सर्कल ऐप के बारे में। काफी अच्छी ऐप है, आप लोग जो है इस ऐप के अंदर लिटरली राशिद खान के साथ में जो है खेल सकते हो। हमको पता है भाई फिलहाल इंडिया में काफी लंबे समय के बाद क्रिकेट की वापसी हुई है, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चालू है। इसके अंदर अगर आप लोग माई इलेवन सर्कल पे राशिद खान की टीम को हरा दोगे, तब आपको जो है आपके विनिंग का 3 गुना कैश डायरेक्टली मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है भाई अपने स्किल का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है करोड़ रुपीस तक जीत चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और सबसे अच्छी खास बात क्या है माई इलेवन सर्कल की, आपको जो है जीता हुआ पैसा डायरेक्टली आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। साथ ही में जो है भाई फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे यहाँ पे जो है आप सभी को 1500 रुपीस का कैश बोनस भी मिलेगा। तो भाई देर मत कीजिए, अभी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा माई इलेवन सर्कल ऐप का, इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अब दोस्तों, यहाँ पे जो है कुछ बात कर लेते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के स्क्वाड की। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली भाई जो है अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिए, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो
प्रदीप सांगवान ये करने वाले हैं कैप्टनशिप। इसके अंदर जो है शिखर धवन का भी नाम मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैदराबाद के स्क्वाड की। आप लोग स्क्वाड देख सकते हो, कैप्टनशिप करने वाले हैं तन्मय अग्रवाल। बात करते हैं पंजाब के स्क्वाड की, तो पंजाब के कैप्टन है भाई वो है मनदीप सिंह। लास्ट में बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के स्क्वाड की। आप लोग स्क्वाड देख सकते हो भाई, कैप्टन है परवेज रसूल, ये जो है आईपीएल में भी खेल चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी आ रही है अपडेट आईपीएल 2021 के टाइटल स्पॉन्सर को लेके। मैंने आपको कल बताया था कि भाई ऑफिशियली जो है वीवो दोबारा से जो है टाइटल स्पॉन्सर बनने वाली है आईपीएल का, लेकिन भाई एक रिपोर्ट अभी नई ऐसी आ रही है कि भाई जो अपनी बीसीसीआई है ये लोग ने अभी तलक जो है वीवो को फाइनलाइज नहीं किया कि ये हमारा स्पॉन्सर बनेगा। हालांकि जो है 99% कंफर्म हो चुका है कि वीवो जो है भाई स्पॉन्सर दोबारा से बनेगा, लेकिन जो बीसीसीआई है बस अभी उनको फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना बाकी है कि भाई वीवो दोबारा से हमारा स्पॉन्सर बनेगा। अभी देखते हैं भाई इसके अंदर कितना टाइम और लगता है। बात करते हैं भाई एलेक्स हेल्स की। हेल्स जो है भाई ब्रिस्टल केस के बाद काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि उनको जो है टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसके बाद जो है इंग्लैंड के जो नेशनल सिलेक्टर है एड स्मिथ ने ऐसा बोला है कि हम लोग जो है एक बार फिर से एलेक्स हेल्स को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल करेंगे। मतलब कि जो उनका सिलेक्शन है हम लोग एलेक्स हेल्स को दोबारा से मौका देने वाले हैं इंग्लैंड की टीम में बहुत ही जल्दी। तो भाई ये साल जो है आईपीएल में हेल्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मैटर करेगा। अगर हेल्स ने अच्छा कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो है इंग्लैंड के नेशनल सिलेक्टर को एलेक्स हेल्स को टीम में जगह देनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बात करते हैं एमएस धोनी के एकेडमी की। इंडिया में जो है हर एक शहर में जो है भाई लगातार खुल रहे हैं एमएस धोनी की एकेडमी क्रिकेट की, जहाँ पे जो लेटेस्ट नाम सामने आया है तेलंगाना आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये तीन जगह जो है भाई दोबारा से एमएस धोनी की क्रिकेट एकेडमी चालू होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है गौतम गंभीर ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है ग्लेन मैक्सवेल को लेके। गौतम गंभीर के मुताबिक जो है आरसीबी की टीम ग्लेन मैक्सवेल को ऑक्शन से टारगेट करने वाली है। ऑक्शन के अंदर जो है 90% आरसीबी की टीम ग्लेन मैक्सवेल को खरीदेगी गौतम गंभीर के मुताबिक। ये था उनका पहला प्रेडिक्शन। सेकंड बात, गंभीर ने ये बोल दिया कि विराट कोहली जो है ये साल ओपन करने वाले है आरसीबी के लिए। हमने देखा था भाई पिछले साल जो है आरसीबी के लिए विराट कोहली नंबर 3 पे आए थे, लेकिन गंभीर के मुताबिक जो है ये साल विराट कोहली ओपन करेंगे आरसीबी के लिए। तो यहाँ पे जो है दो बात गंभीर ने कह दी, ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी की टीम खरीदेगी और विराट कोहली जो है ओपनिंग करेंगे आरसीबी के लिए आईपीएल 2021 में। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आप सभी को एक अपडेट दे देता हूँ। ईशान किशन, सिद्धार्थ कौल, जयदेव उनादकट, संजू सैमसन, ये सभी लोग ने जो है भाई बीसीसीआई का जो 2 किलोमीटर की जो फिटनेस का टेस्ट होता है इसको जो है भाई एट द एंड फाइनली पास कर लिया। कल जो है भाई ये सभी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए थे, लेकिन दोबारा जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये चारों प्लेयर्स ने जो है भाई फिटनेस टेस्ट को पास कर लिया। हम दोस्तों जो है एट द एंड में आप सभी को एक ऐसी न्यूज दे दूं वसीम जाफर के बारे में। आजकल जो है भाई ये न्यूज काफी ज्यादा हो रही है वायरल। वसीम जाफर पे जो है भाई तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के जो है पहले कोच थे वसीम जाफर, तो उत्तराखंड से जो है जाफर के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा है कि वसीम जाफर जो है टीम का सिलेक्शन रिलीजन देख के करते हैं, यानी कि जो रिलीजन मतलब कि जो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वसीम जाफर जो है उत्तराखंड की जो टीम का सिलेक्शन था वो रिलीजन देख के करते थे, ऐसा जो इल्जाम है जाफर के ऊपर लगाया गया है। हालांकि जो है वसीम जाफर ने इस आरोप को जो है ठुकराया है, उनके मुताबिक जो है ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया है। हम दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे आज के फैक्ट की। क्या आप सभी को पता है भाई जेम्स एंडरसन ने सबसे ज्यादा बार डक पे जीरो पे कौन से बल्लेबाज को आउट किया है? उसका नाम है अजिंक्य रहाणे। जहां पे जो है भाई एंडरसन ने रहाणे को कुल 4 बार डक पे आउट किया है, जो कि सबसे ज्यादा बार है। तो ये थी भाई हमारी आज की न्यूज वीडियो और फैक्ट, मैंने आप सभी को बता दिया। आप लोग जो है भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, और हाँ दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए और ज्वाइन कीजिए। अगर लिंक से ज्वाइन ना हो पाए तो आप लोग सिंपली जो है टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आईपीएल एंड क्रिकेट विद पवन, इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।